कार्ड ले लो, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड। सो गाइस, कभी भी आप किसी भी बैंक अकाउंट से डेबिट कार्ड इश्यू करवाएंगे तो वो बैंक आपको तीन अलग अलग टाइप के कार्ड दे सकता है। या तो वो होगा वीजा कार्ड, या होगा मास्टर कार्ड, या होगा रुपे कार्ड। लेकिन रुको, क्या आपको इनका डिफरेंस पता है? सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वॉचिंग सिडटॉक। गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। सो गाइस, मैं आपको बताऊं भैया, ये अलग अलग टाइप के कार्ड्स क्यों होते हैं, उसके पहले तो समझते हैं भैया कार्ड की जरूरत ही क्यों है। तो देखो, बहुत पहले अपन चलते हैं तो वहां पे हमारे क्या होते थे, बैंक अकाउंट्स होते थे। वहां पे अगर हमको पैसा जमा करना है, पैसा निकालना है, तो हमको बैंक में ही जाना पड़ता था, बैंक में पैसा देना पड़ता था, बैंक ही हमको पैसा वापस देता था। लेकिन होता क्या था कि ज्यादा लोग होने लगे, ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट होने लगे, तो वहां पे लाइन लगने लगी, तो वहां पे दिक्कत ये हो गई कि भैया हमको हमारे ही पैसा निकालने के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया एटीएम कार्ड का। उसमें ये हुआ भैया, एक-एक एटीएम मशीन लगा दी अलग-अलग बैंकों ने, अपनी-अपनी खुद की अलग-अलग लोकेशन पे। बोल ये दिया भैया, कार्ड आपको इशू कर दिया, जाइए सीधा एटीएम कार्ड में स्वाइप करिए, आपको आपको जो कैश जो बैंक से मिल रहा था वो आपको एटीएम कार्ड से मिल जाएगा। तो भैया यहां पे एक दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई, अगर मुझे कुछ शॉपिंग करना है, कुछ चीजें करना है, तो पहले तो मैं एटीएम पे जाऊं, एटीएम से कैश निकालूं, फिर वो कैश लेके किसी दुकानदार के पास जाऊं और उसको वो कैश देके सामान खरीदूं। तो भैया बहुत लंबी प्रोसेस हो रही थी, मतलब मैं पैसा निकालूं, उसको पैसा दूं, फिर वो पैसा वापस बैंक में डाले, तो ये पूरी प्रोसेस बहुत लेंथी हो गई थी। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट डिजाइन करा गया डेबिट कार्ड का। अब यहां पे दिक्कत एक चीज और हो गई कि अगर मेरा अकाउंट SBI में है, आपका अकाउंट HDFC में, अगर मैं कोई डेबिट कार्ड लेके आया हूं, ATM कार्ड लेके आया हूं, और आपको अगर मुझे पे करना है, तो भैया यहां पे एक दिक्कत ये हो गई थी कि आपको भी उसी बैंक में अकाउंट चाहिए था, तभी मेरे कार्ड से आपके कार्ड तक पेमेंट हो पाता। अब यहां पे अगर देखें तो भैया ये तो इंडिया है, इंडिया के बाद बाहर निकलोगे तो अलग अलग कितने बैंक होंगे, कितने लोग अलग अलग डेबिट कार्ड इशू करते। तो इस चीज का फायदा उठाया गया दो कंपनी के द्वारा। पहली कंपनी का नाम है वीजा INC, दूसरी कंपनी का नाम है मास्टर कार्ड। तो ये दो अलग अलग कंपनी, एक दूसरे के कॉम्पिटेटर हैं ये लोग। इनने क्या दिमाग लगाया, इनने सोचा भैया किसी को कहीं से कहीं पे पैसा भेजना है, या किसी को ट्रांसफर करना है, या फिर कुछ शॉपिंग करना है, तो यहां पे दिक्कत ये हो रही थी कि आपको अलग अलग बैंकों के अलग अलग डेबिट कार्ड चाहिए थे। तो ये लोग जो है वो पेमेंट्स नेटवर्क बन गए। इन लोगों ने क्या किया, इंडिया ले लो, सारी कंट्री में जितने बैंक हैं सबसे टाई अप कर लिया, सबके सर्वर में एक्सेस ले ली। उसके बाद इनने बोला भैया आपके अकाउंट में पैसा है तो हम आपको एक कार्ड नंबर दे देंगे, उसका आप कार्ड प्रिंट कर दीजिए, हमारा लोगो लगा लीजिए, और वो कार्ड किसी को भी दे दीजिए। इससे होगा क्या कि एक नेटवर्क बन जाएगा सारे कार्डों के बीच में, और सबका डेटाबेस एक ही नेटवर्क में स्टोर हो जाएगा। अब देखो, अगर आप किसी को पेमेंट करते हो इंडिया में या बाहर, तो हर जगह वीजा वालों ने अपनी पहुंच बना के रखी, मास्टर कार्ड वालों ने पहुंच बना के रखी। तो जहां भी जिसको भी पे करना है, उनके पास जो मशीन है या फिर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, वहां पे ये कार्ड एक्सेप्टेड है। अब होता क्या है, देखो, अब अगर मैं कहीं पे शॉपिंग करने गया, कार्ड लेके गया, कार्ड को मैंने स्वाइप करा, अब जब कार्ड में स्वाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली वीजा वालों के पास वो रिक्वेस्ट पहुंचेगी। वीजा वालों ने अलग अलग बैंकों से टाई अप किए हुए, उन टाई अप से उनके पास एक्सेस मिल गई सर्वरों की, कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या नहीं है, क्या है। अगर उनको लगता है बैलेंस है आपके अकाउंट में, तो वो जो है आपके बैंक तक जाके वो पैसा डेबिट कर लेंगे, अपने लेवल पर रख लेंगे, उसका लॉग बना के, मतलब एक तरह से रिकॉर्ड बना के। उसके बाद वो पैसा जिसको आप पे कर रहे हो, जहां पे आपने स्वाइप करा, या फिर जहां भी आप वेबसाइट पे जाके उस कार्ड को यूज कर रहे हो, वहां तक वीजा वाले उनके अकाउंट तक पैसा पहुंचा देंगे आपके अकाउंट से। तो भैया घुमा फिरा के बोले तो वीजा है, मास्टर कार्ड ये जो है पेमेंट नेटवर्क है, जो कि मेडिएटर है आपके बैंक के बीच में और आप जिसको पे कर रहे हो उसके बैंक के बीच में। अब यहां पे दिक्कत यह है कि ये जो दोनों मेडिएटर है, ये बाहर के हैं, US के हैं, और ये हर ट्रांजेक्शन पे फी लेते हैं। मतलब अगर आप किसी को कुछ भी पेमेंट करते हो तो 1-2% जो है इनकी ट्रांजेक्शन फी है ये पूरी प्रोसेस करने में। तो इनको 2 दिन लग जाते हैं, मतलब आपके अकाउंट से पैसा अभी कट जाएगा, लेकिन जिसको भेज रहे हो उसको पहुंचेगा 2 दिन तक, क्योंकि वो 2 दिन में पूरी प्रोसेसिंग होती है। मतलब आज की तारीख में जितने ट्रांजेक्शन हुए उसका बंच बनेगा, बैंकों को भेजा जाएगा, पैसा इनके पास आएगा, फिर ये पैसे से अपना ट्रांजेक्शन फी काट के वो सामने वाले को पहुंचाएंगे। तो यहां पे हर ट्रांजेक्शन की फी देनी पड़ती है। अब देखो, इंडिया में अगर देखें तो हर कोई जो पैसा इंडिया में रखता है और इंडिया में ट्रांजेक्शन करता है, अब उसको भैया हर ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करने के लिए बाहर की कंपनी के पास जाना पड़े, फिर बाहर से कंपनी वापस आप ही के बैंक में, आप ही के इंडिया में आए, उसके बाद ये सारी चीजें हो। तो भैया अगर हम ट्रांजेक्शन इंडिया टू इंडिया कर रहे हैं, तो भैया क्यों हम वीजा मास्टर कार्ड वालों को बाहर तक हमारे ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, क्यों उनको ट्रांजेक्शन फी दें? तो इसी का फायदा उठा के, इसी चीज को सोच के, जो हमारा NCPI है, जो कि हमारे इंडिया में सारे पेमेंट्स हैं, जितने बैंक्स हैं सबको मॉनिटर करता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनने क्या किया, इनने सोचा भैया इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो क्यों इतनी फी उनको देना, ट्रांजेक्शन फी देना, अपन क्यों ना खुद का कुछ बनाए ऐसा। तो इन लोगों ने बनाया रुपे कार्ड। रुपे कार्ड बनाने के पहले सारे बैंक से टाई अप कर लिया। तो अब रुपे कार्ड यूज करके अगर आप किसी को पे करते हो तो वो जो पेमेंट प्रोसेसिंग हो रही थी वीजा मास्टर कार्ड के लिए बाहर जाके, वो जो है वो अब इंडिया में ही हो सकती है, और जो इतनी ट्रांजेक्शन फी दे रहे थे इतनी नहीं देनी पड़ेगी। मतलब घुमा फिरा के इंडिया का पैसा
इंडिया में रहेगा, ट्रांजेक्शन फी तो लगेगी लेकिन इतनी नहीं लगेगी जितना वीजा मास्टर कार्ड वाले देते थे, कम लगेगी। इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है रुपए कार्ड को ज्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है वीजा और मास्टर कार्ड के कॉम्पिटिटर बन गए। तो भैया वीजा मास्टर कार्ड जो है वो हिल गए, तो इन लोगों ने क्या किया, ऐड चलाना स्टार्ट कर दिया। आप टीवी पे देखोगे तो वीजा अपना खुद का ऐड चला रहा है, मास्टर कार्ड अपना खुद का ऐड चला रहा है। ये यही चीज बता रहे हैं कि भैया जो हमारा पेमेंट है, हमारे कार्ड्स हैं, वो इंडिया के बाहर भी चलते हैं, लेकिन जो रुपए कार्ड है वो इंडिया के लिए बनाए। तो ज्यादातर जो है 100% इसकी एक्सेप्टेंस जो है वो इंडिया में ही है, लेकिन रुपए कार्ड वालों ने जो है बाहर भी टाइप किया है। तो कहीं कहीं जगह रुपए कार्ड इंटरनेशनली भी चलता है, लेकिन उसके लिए एक अलग से कार्ड आता है रुपए प्लेटिनम, जो कि सबको नहीं मिलता। तो देखो जो रुपए कार्ड है वो इशू करने का भी पैसा नहीं है क्योंकि इंडिया से इशू हो रहा है, लेकिन वीजा मास्टर कार्ड अगर आप इशू भी करवाते हो तो उनको पैसा देना पड़ता है, कंपनी को पैसा देना पड़ता है। इसलिए आजकल जो बैंक्स हैं वो रुपए कार्ड इशू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सस्ता इशू हो जाता है, फ्री में इशू हो जाता है, उसके बाद जो पेमेंट होता है उसमें ट्रांजेक्शन फी भी कम लगती है। तो घुमा फिरा के रुपए कार्ड यूज करके इंडिया टू इंडिया किसी को भी आप पेमेंट करते हो तो आपको बहुत फायदा है और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन फी है वो बाहर नहीं देना है और जो ट्रांजेक्शन है वो बाहर नहीं जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो इंडिया में ही रहेगा। तो भैया घुमा फिरा के बोले वीजा ले लो, मास्टर कार्ड ले लो, रुपए कार्ड ले लो, तीनों एक तरह से नेटवर्क्स हैं जो कि आपका पेमेंट जो है एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुंचा रहे हैं, एक आपके कस्टमर से मर्चेंट तक पहुंचा रहे हैं। अब वो अलग अलग मीडियम से पहुंचा सकते हैं, स्वाइप करके पहुंचा सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से पहुंचा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप पेमेंट भी कर सकते हो, पेमेंट निकाल भी सकते हो एटीएम कार्ड से डायरेक्टली कैश, फिर उस कैश को आप किसी को भी दे सकते हो। और ये जो रुपए कार्ड है वो गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है, इसलिए अभी फोर्स कर रहे हैं सारे बैंक वालों को कि भैया जो भी डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो या जो इशू कर रहे हो आप नए डेबिट कार्ड, वो सब रुपए कार्ड में इशू करो। तो आजकल जब भी आप कोई भी इशू कराएंगे तो वो रुपए कार्ड दे देंगे क्योंकि उनका पैसा भी बच जाएगा, लेकिन आप अगर डिमांड करते हो तो उनके पास मास्टर कार्ड भी है, वीजा कार्ड भी है, अभी आपके ऊपर है। देखो अगर आपको इंडिया में पेमेंट करना है, इंडिया में सारी चीजें करना है तो रुपए कार्ड ले लो, क्योंकि उसमें अच्छी स्कीम्स भी आ गई हैं और इंडियन गवर्नमेंट और प्रमोट कर रही है डिजिटल इंडिया को, इसलिए अलग अलग चीजों पर अलग अलग आपको कैशबैक मिल रहा है। लेकिन वीजा मास्टर कार्ड जो है बाहर की कंपनी है वो लोग जो है आपको ज्यादा कैशबैक नहीं देते, लेकिन वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मतलब आप कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में वीजा मास्टर कार्ड आपको हर जगह एक्सेप्ट होगा, लेकिन रुपए कार्ड लेके इंडिया के बाहर निकल जाओ आपका जो कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो भैया घुमा फिरा के बोले रुपए कार्ड ले लो, वीजा कार्ड ले लो, मास्टर कार्ड ले लो, ये सब यूजलेस है अगर आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इन कार्ड से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और नॉलेजेबल टॉपिक के लिए सिड टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।